नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, बीए सेमेस्टर 3 प्रथम बोर्ड हिंदी सी 303 मध्यकालीन हिंदी का कबीरदास। मित्रों, कबीरदास के जो दोहे थे वो हमने पढ़ लिए। कबीरदास का जो शब्द है उसमें भी आपका ये अंतिम शब्द है। इसके बाद आपका कबीरदास के दोहे, कबीरदास के शब्द सब पूरा हो जाएगा और उनके परिचय का एक संक्षिप्त वीडियो में आपको डालूंगी। उनको ध्यान से सुनना, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। तो मित्रों, पहले मैं आपको शब्द को पढ़कर सुनाती हूँ, फिर समझाऊंगी। देखो, 12वें नंबर का शब्द है, हमारे राम रहीम करीम कैसो अलह राम रसति सोई, बिस्मिल्लाह मेटी विश्वंबर एक और न दूजा कोई, इनके काजी गुलाबे पैगंबर रोजा पछिन नवाजा, इनके पूरब दिशा देवी पूजा ज्ञान की गंगा निवाजा, तुर्क मसीदी देहरू हिंदू ऊठो राम खुदाई, जहां मसीदी गेहरू नाई तहां काके ठकुराई, हिंदू तुरक दौर कूटी टूटी अरुंदर कंदराई, अरद उरद दसो दिस जीतित पुरी राम रहा राम राय, कहे कबीर दास हीरा अपनी रही चली भाई, हिंदू तुरक का करता एके तागति लखी न जाए। देखो मित्रों, पहले भी हमने चर्चा की है कि कबीरदास कैसे समाज सुधारक। तो कबीरदास ने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म की बुराइयों का बहुत ही खुलकर विरोध किया है। धर्म की झूठी आस्था में लगकर लोग जो आडंबर करते हैं उसका विरोध किया है। तो देखो, जो कहा है कबीरदास हिंदू धर्म वालों, मुसलमान धर्म वालों क्या कहते हैं, हमारे राम रहीम करीम कैसो। हिंदू क्या कहते हैं, हमारे राम है, रहीम है, राम है रही को भी राम परमात्मा के करीब है, कृष्ण भी है, ये भी है, कैसे अल्लाह राम सती सोई। मुसलमान कहते हैं हमारे अल्लाह है, हिंदू अलग अलग भगवानों का नाम लेते हैं, राम है, लक्ष्मण है, परशुराम है, ये है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, कृष्ण है, ऐसे कहते हैं। और मुसलमान क्या कहते हैं, हमारा अल्लाह ही है। बिस्मिल्लम मेटे विश्वंबर एके और न दूजा, बिस्मिल्लाह यानी बिस्मिल्लाह मुसलमान का भगवान जो बिस्मिल्लाह ही कहते हैं वो, और विश्वंबर यानी हिंदुओं के परमात्मा भगवान ब्रह्मा। तो क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह यानी कि अल्लाह, और कौन है अल्लाह, अल्लाह और ब्रह्मा, क्या दोनों एक ही है, ऐसा कहते हैं। और न दूजा को, वो कोई अलग अलग दूजा है, दूसरा नहीं है। आगे कहते हैं, इनके काजी मुल्ला पीर पैगंबर, मुसलमान क्या कहते हैं उनकी जो बैठते हैं जो मस्जिदों में और जो उनके वहां, उनको क्या कहते हैं, काजी कहते हैं, मुल्ला कहते हैं, पीर कहते हैं, पीर कहते हैं और पैगंबर, उनके जो मोहम्मद पैगंबर है उनके लिए लिखा है। पैगंबर का मतलब होता है मित्र, पैगंबर का संदेश, संदेश देने वाले मोहम्मद पैगंबर, वो इनको मानते हैं। और रोजा पश्चिम निवाजा, रोजा रखते हैं और पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके नमाज अदा करते हैं। क्या कौन से लोग, मुसलमान लोग अपने मंदिर मस्जिद में, अपने मस्जिद में बैठने वाले को काजी कहते हैं, मुल्ला कहते हैं, पीर कहते हैं, पैगंबर कहते हैं और रोजा रखते हैं, पश्चिम में मुंह करके बैठते हैं। वही हिंदू लोग क्या करते हैं, इनके पूर्व दिशा देवी दूजा ग्यारह से समय निवाज, ये लोग पूर्व दिशा में यहाँ पर सूर्य का उदय होता है वहां पर पूजा करते हैं, मंदिर करते हैं, देव को मानते हैं। ग्यारह से समय निवाज, ग्यारह का उपवास रखते हैं, गंगा का स्नान करते हैं और ऐसे परमात्मा को मानते हैं। तुरक मसीह की देहरु हिंदू झूठा राम खुदाए, मुसलमान तुरक लोग होते हैं मुसलमान, उस प्रकार के जो देहरु मानते हैं हिंदू लोग, देहरू यानी डेरी मंदिर, छोटा सा मंदिर हो जब डेरी कहते हैं वो कहते हैं झूठा राम खुदाई, और क्या कहते हैं, हमारे डेरी में, हमारे मंदिर में ही भगवान है, वहां पर ही राम है, हमारे राम कैसे अनुभव है। हमारे राम अनूठे विशिष्ट है। फिर जो आगे कहते हैं, जहां तहां मसीदी देहरू नाई तहां काकी ठकुराई, तुरंत मुसलमान अपने मस्जिद को श्रेष्ठ मानते हैं, हिंदू अपने मंदिर को,
वहां पर ही हमारे नाम है भाई। तो कबीरदास जनता को समाज को सवाल करते हैं मित्रों, आज के युग में भी कबीरदास की प्रासंगिकता है बिल्कुल निशंक रूप से है, क्योंकि उन्होंने जितने सालों पहले कहा 500-700 साल, आज भी विद्यमान है समाज की बुराइयों के लिए, समाज में चलते ए आगे के लिए। तो क्या कहते हैं कि जो लोग हिंदू कहते हैं हमारा मंदिर है तो भगवान है, मुसलमान कहते हैं हमारी मस्जिद है तो भगवान है, तो जहाँ मंदिर मस्जिद ना है वहां पर किसकी चलती है, ठकुराई है ठाकुर वहां का परमात्मा कौन है, सत्ता मतलब परमात्मा। तो किसकी सत्ता चलती है जहां पर मंदिर मस्जिद नहीं है वहां पर। हिंदू तुरक दोहरा फूटे टूटे फूल अंदर आए, हिंदू और मुसलमान दोनों अपने धर्म की झूठी झूठी वाहवाही और झूठा झूठा आलंबर दिखाते हैं, ऐसा कबीरदास कहते हैं। और अद्धा उरा तो दसवीं जिद की दिल पूरी राह, आधे इधर बांटते हैं आधे इधर बांटते हैं और अपने धर्म की बड़ाई को व्यक्त करते हैं, जितनी तिथि पूरी राह जहां जहां देखो राम राम का नाम गढ़ में लेते, वास्तव में उसके भीतर परमात्मा का वास नहीं है, कबीरदास कहते हैं। कहे कबीरा दास फकीरा अपनी रही चली बाई, कबीरदास क्या कहते हैं, तो दास है फकीर है अपनी राह तो कैसे चलाएंगे, ये लोग कैसे मानेंगे, ये तो झूठी आलंबर मान्यताओं में ही अंत है। फिर अंत में कहते हैं हिंदू तुरक का करता है कि ना ताकत ही लखी न जाए, हिंदू और मुसलमान का करता कौन है, एक ही है करता परमात्मा। देखो कबीरदास कहते हैं हिंदू मुसलमान का दोनों का करता एक ही है परमात्मा, ये मनुष्य झूठी आडंबर दिखाता है। तो मित्र देखो इस पद में कबीरदास ने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म की, हिंदू पर्दाफाश किया। देखो इस पद का सारांश देखना है, यही है इस पद में कबीरदास ने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों का पर्दाफाश किया है। हिंदू कहते हैं हमारा राम श्रेष्ठ है, मुसलमान कहते हैं हमारा रहीम श्रेष्ठ है। फिर जो अभी कबीरदास कहते हैं कि वो लोग कहते हैं हमारा बिस्मिल्लाह, ये कहते हैं हमारा विश्वंभर श्रेष्ठ है, और आगे कहते हैं इन दोनों के अलावा और किसी को मानते नहीं, छोटे से मंदिर में वो कहते हैं हमारा परमात्मा बसता है, पर वो लोग कहते हैं हमारे मस्जिद में हमारा अल्लाह बसता है, वही ठीक है, वही सत्ता है, वही राम की वही अल्लाह की सत्ता है। तो कबीरदास लोगों से सवाल करते हैं कि जहाँ मंदिर मस्जिद नहीं है वहां पर किसकी सत्ता है, कौन सा परमात्मा है, कौन इन लोगों को चलाता है, कैसे जिंदगी जीते हैं, ये बात कहते हैं कबीरदास। यहाँ पर धर्म के नाम पर धर्म का को ठेका बनाकर चलने वाले लोगों के आडंबर का बहुत ही खुलकर विरोध किया है। जो आगे जो कहते हैं कि दोनों के बीच की धर्म की जो टूटी फूटी अनुराय बड़ी बड़ी खोखली बातों को लेकर वो चलते हैं, इसका बहुत ही खुलकर विरोध कबीरदास ने किया है। अंत में कबीरदास कहते हैं हम तो कौन है, दास है फकीर है और हमारा कोई मानेगा नहीं, तो समाज की ऐसे खोखले आडंबर को भूल जाओ और तुम लोग एक रूप से भाईचारे से मिलजुल कर रहो तो ही आपका उद्धार होगा, आपको एक प्रकार के निश्चित रूप से परम तत्व की प्राप्ति होगी। तो मित्रों ये पद सारे संदर्भ में पूछा जाए तो आपको याद रखना कि कबीरदास का समाज सुधारक वाले प्रश्न आगे पंक्तियों लिख सकते हैं, उसकी पंक्तियों को याद करके। और यहाँ पर विशेष कर लिखना कि हिंदू मुसलमान दोनों धर्म के आडंबर का पर्दाफाश किया है, दोनों धर्म की बुराई को इन्होंने व्यक्त किया है, मनुष्य मात्र धर्म के खोखले बंधन को मानकर हृदय से स्वीकारता नहीं है, इसकी बातों का यहाँ पर कबीरदास ने खुलकर विरोध किया है। तो मित्रों ये आपके 12वें नंबर का पद था। अब आपको यहाँ पर कबीरदास के सारे संबंध पूर्ण हो जाते हैं, अब उसका परिचय भी दे दिया है। अब मित्रों आगे के वीडियो में उनका परिचय के बाद हम आगे के जो है आपके तुलसीदास के बारे में देखेंगे।
धन्यवाद।